तो दोस्तों Realme की तरफ से एक और बड़ी खुशखबरी जो है निकल के आ चुकी है। दो और स्मार्टफोन को जो है लेटेस्ट अप्रैल का सॉफ्टवेयर अपडेट जो है रिलीज कर दिया गया है, जिसमें हमारा Realme 3 Pro आता है और Realme X50 Pro भी शामिल है। तो इन दोनों को ही जो है लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड किया गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं Realme 3 Pro के लेटेस्ट अपडेट की। दोस्तों Realme 3 Pro में जो अपडेट रोल आउट किया गया है उसके अपडेट का जो वर्जन है RMX 1851 EX 11.C.05 है। इसमें आपको जो है अप्रैल 2020 का सिक्योरिटी बैच जो है लेटेस्ट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इसमें जो है आपको डॉक वॉल्ट ID फीचर ऐड किया गया है। इसके अलावा कुछ बग्स को फिक्स किया गया है, जैसे ऑडियो क्वालिटी को जो है इम्प्रूव कर दिया गया है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में। इसके अलावा कुछ इसके जो है डार्क मोड में एरो ऐड किया गया है, जिससे कि आप इसके रिसेंट लोकेशन की इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट वगैरह जो है डार्क मोड में जो आती थी तो उसमें एक राइट में एरो जो है ऐड किया गया है। इसके अलावा जब भी आप इसमें म्यूजिक वगैरह प्ले करते थे तो कुछ प्रॉप्ट टोन का जैसा कुछ इशू आपको इसमें देखने को मिल रहा था इसकी साउंड क्वालिटी में, तो उससे जो है फिक्स कर दिया गया है। इसके अलावा जब भी आप जो है बैकग्राउंड टास्क को क्लियर करते थे तो ऑटोमेटिकली इसका अलार्म बंद हो जाता था, तो उस इशू को भी जो है इस अपडेट में फिक्स कर दिया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि Realme 3 Pro के लेटेस्ट अपडेट की जानकारी Realme ने ऑफिशियल फोरम पर भी दी है, जिसका डाउनलोड लिंक भी प्रोवाइड किया गया है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रहा हूं। अगर आप इस अपडेट को मैन्युअली डाउनलोड करके जो इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने स्मार्टफोन में तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस अपडेट को आप मैन्युअली डाउनलोड करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर अपने सेटिंग में जाकर और अबाउट सेक्शन में जाकर भी OTA के थ्रू भी आप इसे अपडेट कर सकते हैं अगर आपको ये अपडेट मिल चुका है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं Realme X50 Pro के लेटेस्ट अपडेट की। दोस्तों Realme X50 Pro के लेटेस्ट अपडेट का जो वर्जन है वो RMX 2076 PU 11A.19 है, और वहीं इसमें भी आपको अप्रैल 2020 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है सबसे पहले। इसके अलावा इसकी चार्जिंग आइकन को जो है चेंज कर दिए गए इसके एनिमेशन को। इसके अलावा इसकी स्क्रीन कलर मोड में विविड मोड को भी जो है ऐड कर दिया गया है, और इसके अलावा इसकी फ़ोटो की क्वालिटी को जो है ऑप्टिमाइज़ कर दिया गया है। और इसके स्क्रीन में आपको रेडनेस देखने को मिलती थी और लो ब्राइटनेस का भी इशू आपको इसमें देखने को मिल रहा था इसकी स्क्रीन पे कुछ जगह पर, तो उसे फिक्स कर दिया गया है। नेटवर्क की स्टेबिलिटी को ऑप्टिमाइज़ कर दिया गया है, और वहीं इसके स्क्रीन राउंडेड कॉर्नर की प्रॉब्लम को भी जो है फिक्स कर दिया गया है इसके अपडेट। तो दोस्तों इसके अपडेट की जानकारी भी जो है Realme ने अपने ऑफिशियल फोरम पर दी है, और मैनुअल डाउनलोड लिंक भी प्रोवाइड किया है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ। Realme X50 Pro का अगर आप मैनुअली भी अपडेट डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये अपडेट्स इन दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ को जो है फिक्स कर दिया गया है। हालांकि इन दोनों ही स्मार्टफोन में जो अपडेट रोल आउट किया गया है वो पैचेस के रूप में रिलीज़ किया गया है। टेस्टिंग के बाद सभी यूज़र्स को ये अपडेट धीरे धीरे करके मिल जाएगा। बाकी मैनुअल लिंक भी प्रोवाइड की है कंपनीज़ ने, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आप मैनुअली भी इस अपडेट को इंस्टॉल इन दोनों ही स्मार्टफोन में कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन निकल के आई थी इन दोनों ही स्मार्टफोन्स के लिए। उम्मीद करता हूँ आज की इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को भी ऐसे अपडेट्स के लिए। फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।